शरीर में गति। बिल्कुल शांत होकर बैठिए तथा अपने शरीर में होने वाली गतियों का अनुभव कीजिए। आप समय समय पर अपनी पलकें तो झपकाते ही होंगे, सांस लेते समय अपने शरीर में होने वाली गतियों का प्रेक्षण कीजिए। हमारे शरीर में स्वतः ही अनेक गतियां निरंतर होती रहती हैं। जब आप अपनी नोटबुक में लिखते हैं, तब आपके शरीर का कौन सा भाग गति करता है? जब आप मुड़कर अपने मित्र को देखते हैं, तब शरीर का कौन सा भाग गति करता है? उपयुक्त सभी उदाहरणों में आपके उसी स्थान पर रहते हुए भी आपके शरीर का कोई ना कोई भाग गति करता है। आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, आप उठकर अपने अध्यापक के पास जाते हैं, कक्षा के बाद विद्यालय के मैदान में जाते हैं अथवा विद्यालय के बाद अपने घर जाते हैं, तो इस स्थिति में आप एक स्थान से दूसरे स्थान तक वास्तव में चलकर जाते हैं। आप चलकर, दौड़कर या कूदकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। आइए अपने मित्रों, अध्यापकों एवं अभिभावकों से चर्चा करके सारण 8.1 भरते हुए यह देखते हैं कि पूछो पौधों की गति को लेकर आश्चर्यचकित है। वह जानता है कि पौधे एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति नहीं करते, परंतु क्या वे किसी दूसरे प्रकार की गति को प्रदर्शित करते हैं? सारणी 8.1, जंतु एक स्थान से दूसरे स्थान तक कैसे गमन करते हैं? जंतु गमन में प्रयुक्त होने वाला भाग या अंग जंतु कैसे गमन करते हैं? गाय पैर चलती है, मनुष्य, सांप संपूर्ण शरीर रेंगकर, पंछी, कीट, मछली, जंतु एक स्थान से दूसरे स्थान तक किस प्रकार गमन करते हैं? चलना, टहलना, दौड़ना, उड़ना, छलांग मारना, रेंगना एवं तैरना इत्यादि जंतुओं के एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के कुछ ढंग हैं। जंतुओं के एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के तरीकों में इतनी अधिक विविधता क्यों है? क्या कारण है कि अनेक जंतु चलते हैं जबकि सांप रेंगता है और मछली तैरती है? मानव शरीर एवं इसकी गतियां। जंतुओं की विविध गतियों पर ध्यान देने से पूर्व आइए अपने शरीर की कुछ गतियों को ध्यान पूर्वक देखें। क्या आपको विद्यालय में शारीरिक व्यायाम करते समय आनंद आता है? विद्यालय में शारीरिक व्यायाम करते समय आपके हाथ एवं पैर किस प्रकार गति करते हैं? आइए हमारा शरीर जिन गतियों को करने योग्य है, हम उनमें से कुछ शारीरिक गतियों को करने का प्रयास करें। एक काल्पनिक विकेट पर काल्पनिक गेंद फेंकने का प्रयास कीजिए। आप अपना हाथ किस प्रकार घुमाते हैं? क्या आप इसे अपने कंधों से वृत्ताकार रूप में घुमाते हैं? क्या आपका कंधा भी गति करता है? पीठ के बल लेट जाइए तथा अपने पैर को कूल्हे के चारों ओर घुमाइए। अपनी भुजा को कोहनी से ऊपर नीचे कीजिए। इस प्रकार पैरों को घुटने से मोड़िए। अपने हाथों को अपने पार्श्व में सीधा तानिए। भुजा को मोड़ते हुए उंगलियों से कंधे को छूइए। आपने अपने हाथ का कौन सा भाग मोड़ा? हाथों को सीधा तान कर नीचे की ओर झुकने का प्रयास कीजिए। क्या आप ऐसा कर पाते हैं? अपने शरीर के विभिन्न हिस्सों से गति करने का प्रयास कीजिए एवं प्रेक्षणों को सारणी 8.2 में नोट कीजिए। क्या कारण है कि हम अपने शरीर के कुछ अंगों को तो स्वतंत्र रूप से किसी भी दिशा में घुमा सकते हैं, जबकि कुछ अंगों को केवल एक ही दिशा में घुमा सकते हैं? हम अपने शरीर के कुछ भागों को घुमाने में असमर्थ क्यों रहते हैं? क्रियाकलाप एक एक पैमाने को अपने हाथ पर चित्र 8.1 में दर्शाई गई स्थिति में रखिए, जिससे आपकी कोहनी पैमाने के मध्य में रहे। अपने मित्र से पैमाने तथा हाथों को एक साथ बांधने के लिए कहिए। अब अपनी कोहनी को मोड़ने का प्रयास कीजिए। क्या आप इसे मोड़ पाते हैं? क्या आप अब आप अपनी भुजा मोड़ पाते हैं? सारणी 8.2 हमारे शरीर में गति। शरीर का भाग पूर्णतः घूमता है, अंशतः घूमता या मोड़ता है, झुकता है, उठता है। गति बिल्कुल नहीं करता। गर्दन
अंततः घूमता या मुड़ता है। कलाई, उंगलियां, घुटने, एड़ी, पंदागुली, पीठ, सिर, कोहनी, भुजा, भुजा घूमती है। क्या आपने ध्यान दिया है कि शरीर के विभिन्न भागों को उसी स्थान से मोड़ अथवा घुमा पाते हैं जहां पर दो हिस्सों एक दूसरे से जुड़े हों? उदाहरण के लिए कोहनी, कंधा अथवा गर्दन। क्या आप ऐसे कुछ अन्य भागों के नाम बता सकते हैं? इन स्थानों को संधि कहते हैं। यदि हमारे शरीर में कोई संधि नहीं होती तो आपके विचार में क्या करने के लिए किस प्रकार की गति करना संभव होता? वास्तव में इन संधियों को कौन सी वस्तुएं परस्पर बांधती हैं? अपनी उंगली द्वारा अपने सिर, चेहरे, गर्दन, नाक, कान, कंधे के पीछे, हाथ, पैर, उंगली एवं पदांगुलियों को दबाइए। क्या आपको ऐसा अनुभव हुआ कि आपकी उंगली किसी कठोर वस्तु को दबा रही है? ये कठोर संरचनाएं अस्थियां हैं। अपने शरीर के अन्य भागों में इस प्रक्रिया को दोहराइए। इतनी सारी अस्थियां, जब अस्थियों को नहीं मोड़ा जा सकता, तब हम अपनी कोहनी को कैसे मोड़ लेते हैं? हाथ के ऊपर हिस्से से लेकर कलाई तक एक ही लंबी अस्थि नहीं होती। वास्तव में अनेक अस्थियां कोहनी तक जुड़ी रहती हैं। इसी प्रकार हमारे शरीर के प्रत्येक हिस्से में अनेक अस्थियां हैं। हम अपने शरीर को कैसे उसी स्थान पर हिला या झुका नहीं सकते जहां ये अस्थियां एक दूसरे से मिलती हैं? विभिन्न गतिविधियों एवं विभिन्न प्रकार की गतियों के लिए हमारे शरीर में अनेक प्रकार की संधियां होती हैं। आइए उनमें से कुछ के बारे में जानें। कुंडिक खल्लिकासन क्रियाकलाप कागज की एक पट्टी को एक बेलन सिलेंडर के रूप में मोड़िए। रबर अथवा प्लास्टिक की एक पुरानी गेंद में एक छेद करके किसी के निरीक्षण में उसमें मोड़े हुए कागज के बेलन को डालिए, जैसा कि चित्र 8.2 में दर्शाया गया है। आप कागज के बेलन, ये कटोरी, गेंद, कागज का बेलन, कुंदुक खल्ली का संधि बनाना को गेंद भी चिपका सकते हैं। गेंद को एक छोटी कटोरी में रखकर चारों ओर घुमाने का प्रयास कीजिए। क्या गेंद कटोरी में स्वतंत्र रूप से घूमती है? क्या कागज का बेलन भी घूमता है? अब कल्पना कीजिए कि कागज का बेलन आपका हाथ है अथवा गेंद इसका एक सिरा है। कटोरी कंधे के उस भाग के समान है जिससे आपका हाथ जुड़ा है। एक अस्थि का गेंद वाला गोल हिस्सा दूसरी अस्थि की कटोरी रूपी गुहिका में धंसा हुआ है। चित्र 8.3। इस प्रकार की संधि सभी दिशाओं में गति प्रदान करती है। क्या आप इन गतियों में उपरोक्त प्रकार की संधि का कंदुक खलिका संधि, जांग की अस्थि, श्रेणी अस्थि, कंदुक खलिका संधि, कोई अन्य उदाहरण खोज सकते हैं? इस अनुभाग के प्रारंभ में शरीर के विभिन्न भागों को हमारे द्वारा दी गई गतियों का स्मरण कीजिए। धुरांग संधि गर्दन तथा सिरों को जोड़ने वाली संधि धुरांग संधि है। चित्र 8.4। इसके द्वारा सिर को आगे पीछे या दाएं एवं बाएं घुमा सकते हैं। इन गतियों को करने का प्रयास कीजिए। यह गति हमारे हाथ की उस गति से किस धुराग्र संधि विभिन्न प्रकार भिन्न है, जिसमें कंदुक खल्लिका संधि द्वारा हाथ को पूर्णतः वृत्ताकार रूप में घुमा सकते हैं। धुराग्र संधि में बेलनाकार अस्थि एक छल्ले में घूमती है। घर के किसी दरवाजे को बार बार खोलिए और बंद कीजिए। इसके कब्जे को ध्यान पूर्वक देखिए। यह दरवाजे को आगे और पीछे की ओर खुलने देता है। क्रियाकलाप 3। आइए कब्जे की गति के प्रकार को देख एक मोटे कागज अथवा गत्ते का एक बेलन सिलेंडर बनाइए, जैसा कि चित्र 8.5 में दिखाया गया है। चित्र के अनुसार गत्ते अथवा कागज के बेलन के मध्य में छेद करके एक छोटी पेंसिल लगाइए। गत्ते का एक और टुकड़ा लेकर उसको इस प्रकार मोड़िए कि यह आधा बेलन बन जाए, इस पर दूसरे बेलन को सरलता से घुमाया जा सके। आधे बेलन
पर रखा पूर्ण बेलन कब्जे की भांति है। पेंसिल लगे बेलन को चलाने का प्रयास कीजिए। यह किस प्रकार गति करता है? यह गति आपके द्वारा बनाए गए कंदुक खल्लिका संधि की गति से किस प्रकार भिन्न है? हमने क्रियाकलाप एक में कोहनी में इसी प्रकार की गति देखी थी। चित्र 8.5 में हिंज जैसी संधि द्वारा गति की दिशा चित्र 8.5 में दिखाया गया है। घुटने की हिंज संधि, जो कुछ हमने बनाया था वह एक हिंज से भिन्न है, लेकिन इससे यह पता चलता है कि हिंज एक दिशा में गति होने देता है। कोहनी में हिंज कब्जा संधि होती है, जिससे केवल आगे और पीछे एक ही दिशा में गति हो सकती है। चित्र 8.6। क्या आप ऐसी संधि के कुछ और उदाहरण सोच सकते हैं? अचल संधि, हमारे शरीर की अस्थियों के बीच की कुछ संधियां उन संधियों से भिन्न है जिनकी चर्चा हमने अब तक की है। ये अस्थियां इन संधियों पर हिल नहीं सकती। जैसे ऐसी संधियों को अचल संधि कहते हैं। जब आप अपना मुंह खोलते हैं तो आप अपने निचले जबड़े को सिर से दूर ले जाते हैं। अब अपनी ऊपरी जबड़े को हिलाने का प्रयास कीजिए। क्या आप इसे गति दे पाते हैं? ऊपरी जबड़े एवं कपाल के मध्य अचल संधि है। हमने केवल कुछ संधियों की ही चर्चा की जो हमारी अस्थियों को एक दूसरे से जोड़ती हैं। हमारे शरीर के विभिन्न अंगों को विभिन्न आकृति कौन प्रदान करता है? यदि आप एक गुड़िया बनाना चाहते हैं तो आप पहले क्या बनाएंगे? संभवतः गुड़िया को एक आकृति प्रदान करने के लिए आप एक ढांचा तैयार करेंगे। आप ऐसा नहीं करेंगे। हमारे शरीर की सभी अस्थियां ठीक इसी प्रकार शरीर को एक सुंदर आकृति प्रदान करने के लिए एक ढांचे का निर्माण करती हैं। इस ढांचे को कंकाल कहते हैं। चित्र 8.7 में दिखाया गया है। हम कैसे जानते हैं कि यह मानव कंकाल की आकृति है? हम शरीर की विभिन्न अस्थियों की आकृति के विषय में किस प्रकार जान पाते हैं? शरीर के कुछ अंगों में मौजूद अस्थियों और उनकी संख्या तथा आकृति के बारे में हमें तब पता चलता है जब हम उनका अनुभव करते हैं। एक्सरे चित्र से हमें शरीर की सभी कठोर अस्थियों की आकृति का पता चलता है। मानव कंकाल एक्सरे से पता कभी कभी क्या कभी आपका अथवा आपके परिवार के किसी सदस्य का एक्सरे हुआ है? कई बार चोट लगने पर चिकित्सक एक्सरे करवाते हैं, जिससे उन्हें अस्थियों को हुई संभावित क्षति के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। एक्सरे चित्र से हमें शरीर की अस्थियों की आकृति का पता चलता है। आपने हाथ के अग्र एवं ऊपरी भाग तथा पैर के निचले एवं ऊपरी भाग की अस्थियों का अनुभव कीजिए। प्रत्येक अंग की अस्थियों की संख्या का पता लगाइए। अपने घुटने और कोहनी की अस्थियों का ठीक इसी प्रकार अनुभव करें और एक्सरे चित्र 8.8 में टखने एवं घुटने के एक्सरे चित्र में दिखाए गए हैं। तुलना करें। प्रत्येक भाग में अस्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। चित्र 8.8 से अपनी उंगलियों को मोड़िए। क्या आप उन्हें प्रत्येक संधि स्थल पर मोड़ सकते हैं? आपकी मध्यमा में कितनी अस्थियां हैं? अपनी हथेली के पिछले भाग का स्पर्श करके अनुभव कीजिए। क्या इसमें अनेक अस्थियां हैं? चित्र 8.9। क्या आपकी कलाई लचीली है? यह अनेक छोटी छोटी अस्थियों से बनी है जिन्हें कार्पेल कहते हैं। यदि इसमें मात्र एक ही अस्थि होती तो क्या होता? चित्र में 8.9 में हाथ की अस्थियां दिखाई गई हैं। क्रियाकलाप 4। गहरी सांस भरकर इसे कुछ समय तक रोके रहिए। आपने वक्ष एवं पीठ को हल्के से दबाकर अपनी अस्थियों का अनुभव कीजिए। जितनी पसलियों वक्ष की अस्थियां को आप गिन सकते हैं, गिन लीजिए। चित्र 8.10 को ध्यान से देखिए और वक्ष की अस्थियों की तुलना अपने उपयुक्त अनुभव से कीजिए। हम देखते हैं कि चित्र 8.10 में पसली पिंजर दिखाया गया है कि पसलियां विशेष रूप से मुड़ी हुई हैं। वे वक्ष की अस्थि एवं मेरुदंड से जुड़कर एक बक्से की संरचना
या रचना करती हैं। इस शंकु रूपी बक्से को पसली पिंजर कहते हैं। बच्चे के दोनों तरफ 12 पसलियां होती हैं। हमारे शरीर के कुछ महत्वपूर्ण अंग इसमें सुरक्षित रहते हैं। अपने कुछ मित्रों को बिना घुटने मोड़े झुककर अपने पांव की उंगलियां छूने को कहिए। क्या यह चिकनी समतल अथवा अखंड है? अपनी उंगलियों को अपने मित्र की गर्दन से प्रारंभ करके उसकी पीठ पर नीचे की ओर लाइए। आपके द्वारा अनुभव की गई संरचना मेरुदंड है। यह अनेक छोटी छोटी अस्थियों से बना है जिसे केशरुका कहते हैं। मेरुदंड 33 के शुरू काओं का बना होता है। चित्र 8.11 पसली पिंजर भी वक्ष क्षेत्र की इन अस्थियों से जुड़ा है। यदि मेरुदंड केवल एक ही अस्थि से बना होता तो क्या आपका मित्र इस प्रकार नीचे झुक सकता था? अपने मित्र को खड़े होकर हाथों से किसी दीवार को धक्का लगाने के लिए कहिए। उससे कहिए कि वह अपने हाथों से दीवार पर धक्का। ये चित्र 8.11 में मेरुदंड दिखाया गया है लगाने का प्रयास करें। क्या आपको उसके कंधों के समीप दो उभरी हुई अस्थियां दिखाई देती हैं? इन्हें कंधों की अस्थियां कहते हैं। चित्र 8.12 में कंधे की अस्थियां दिखाई गई हैं। चित्र 8.13 को ध्यानपूर्वक देखिए। यह संरचना श्रेणी अस्थियां हैं। यह बॉक्स के समान एक ऐसी संरचना बनाती हैं जो आपके अमाशय के नीचे पाए जाने वाले विभिन्न अंगों की रक्षा करता है। यह कुल्हे वाला वह हिस्सा है जिसके सहारे आप बैठते हैं। चित्र 8.13 में श्रेणी अस्थियां आपकी खोपड़ी अनेक अस्थियों के एक दूसरे से जुड़ने से बनी है। चित्र 8.14 यह हमारे शरीर के अति महत्वपूर्ण अंग मस्तिष्क को परिबद्ध करके उसकी सुरक्षा करती हैं। हमने अपने कंकाल की चित्र मानव खोपड़ी 8.14 में दिखाई गई है। बहुत सी अस्थियों तथा संधियों के बारे में चर्चा की। कंकाल के कुछ अतिरिक्त अंग भी हैं जो हड्डियों जितनी कठोर नहीं होते और उन्हें जिन्हें मोड़ा जा सकता है उन्हें उपास्थि कहते हैं। अपने कानों को स्पर्श कीजिए। क्या आप किसी कठोर अस्थि भाग का अनुभव करते हैं जिसे मोड़ा जा सके? चित्र 8.15 ऐसा प्रतीत होता है कि इसमें कान के ऊपरी भाग में उपस्थित होती है। कर्णपालिका 8.16 में दिखाए गए हैं। कोई अस्थि नहीं है। क्या आपको उंगलियों के बीच दबाने पर कर्णपाली एवं इसके ऊपर के हिस्से में कोई अंतर महसूस हुआ? चित्र 8.16 क्या आपको ऐसा लगा कि कान का ऊपरी भाग उतना लचीला नहीं है जितना कि हमारी कर्णपाली, परंतु यह अस्थि जैसा कठोर भी नहीं है। ये उपास्थिति है। शरीर की संधियों में भी उपास्थि पाई जाती है। हमने देखा है कि मानव कंकाल अनेक अस्थियों या संधियों एवं उपास्थियों से मिलकर बना होता है। आप उनमें से बहुत को देख सकते हैं, मोड़ सकते हैं तथा गति दे सकते हैं। अपनी नोटबुक में कंकाल का स्वच्छ आलेख बनाएं। हमने अपने शरीर की उन अस्थियों एवं उनकी संधियों के विषय में जानकारी प्राप्त कर ली है जो विभिन्न प्रकार की गति करने में हमारी सहायता करती हैं। अस्थियों को इस प्रकार की गति करने योग्य कौन बनाता है? आइए इसका पता लगाएं। अपने एक हाथ की मुट्ठी बनाइए। मुट्ठी के अंगूठे से इसी बाजू के कंधे को छूने का प्रयास कीजिए। ए में दिखाया गया अस्थि की को गति प्रदान करने से दो पेशियां संयुक्त रूप से कार्य करती हैं। चित्र 8.17 क्या आप अपनी ऊपरी भुजा में कुछ परिवर्तन अनुभव करते हैं? दूसरे हाथ से इसे छूकर देखिए। क्या आपको कोई उभरा हुआ भाग दिखाई देता है? इसे पेशी कहते हैं। संकुचित लंबाई में कमी होने के कारण पेशियां उभर जा आती हैं। अब आप अपने हाथ को पुनः सामान्य स्थिति में लाइए। पेशियों का क्या होता है? क्या यह अभी भी संकुचित अवस्था में है? चलते अथवा भागते समय आप अपने पैरों की पेशियों में भी
भी इस प्रकार का संकुचन देख सकते हैं। संकुचन की अवस्था में पेशी छोटी, कठोर एवं मोटी हो जाती है, यह अस्थि को खींचती है। किसी अस्थि को गति प्रदान करने के लिए दो पेशियों को संयुक्त रूप से कार्य करना होता है। जब दो पेशियों में से कोई एक सिकुड़ती है तो अस्थि उस दिशा में खींच जाती है। युगल की दूसरी पेशी शिथिल लंबाई में बढ़कर पतली हो जाती है अवस्था में आ जाती है। अस्थि को विपरीत दिशा में गति करने के लिए अब शिथिल पेशी सिकुड़कर अस्थि को अपनी पूर्व स्थिति में खींचती है, जबकि पहली पेशी अब शिथिल हो जाती है। पेशी केवल खींच सकती है, वह धक्का नहीं दे सकती। अतः एक अस्थि को गति देने के लिए दो पेशियों को संयुक्त रूप से कार्य करना होता है। चित्र 8.17 क्या गति के लिए हमेशा अस्थियों एवं पेशियों की आवश्यकता होती है? दूसरे जंतु इसी प्रकार चलते हैं। क्या सभी जंतुओं में अस्थियां पाई जाती हैं? केचुए अथवा घोंघे में क्या होता है? आइए कुछ जंतुओं की गतियों का अध्ययन करते हैं। जंतुओं की चाल। केचुआ क्रियाकलाप 5 बगीचे में चलते हुए एक केचुए का निरीक्षण कीजिए। इसे पकड़कर एक स्याही सोक फिल्टर पेपर पर रखिए। इसकी गति का परीक्षण कीजिए। चित्र 8.18 इसके पश्चात केचुए को एक कांच की पट्टी, टुकड़ों, टाइल अथवा किसी चिकनी सतह पर रखिए तथा इसकी गति का परीक्षण कीजिए। क्या यह गति पेपर पर केचुओं की गति से भिन्न है? ऊपर की दो सतहों में से किस पर केचुआ आसानी से चल सकता है? केचुए की गति 3 अलग अलग सतहों पर दिखाई गए हैं। चित्र 8.18 केचुआ की शरीर एक सिरे से दूसरे से सटा कर रखे गए अनेक छलों से बना प्रतीत होता है। केचुए के शरीर में अस्थियां नहीं होती, परंतु इसमें पेशियां होती हैं जो इसके शरीर के घटने और बढ़ने में सहायता करती हैं। चलने के दौरान केचुआ अपने शरीर के पश्च भाग को भूमि में जकड़े रहता है तथा अग्र भाग को फैलाता है। इसके बाद वह अग्र भाग से भूमि को पकड़ता है तथा पश्च भाग को स्वतंत्र कर देता है। इसके पश्चात यह शरीर को संकुचित करता है तथा पश्च भाग को आगे की ओर खींचता है। इससे वह कुछ दूरी तक आगे बढ़ता है। केचुआ इस प्रक्रिया को बार बार दोहराते हुए मिट्टी पर आगे बढ़ता है। इसके शरीर में चिकने पदार्थ होते हैं जो इसे चलने में सहायता करते हैं। यह अपने शरीर के हिस्से को जमीन से किस प्रकार टिकाता है? इसके शरीर में छोटे छोटे अनेक सूक्ष्म बाल जैसी आकृतियां होते हैं। ये सूक्ष्म पेशियों से जुड़े होते हैं। ये सूक्ष्म मिट्टी में उसकी पकड़ को मजबूत बनाते हैं। केचुआ वास्तव में अपने रास्ते में आने वाली मिट्टी को खाता है। उसका शरीर अन्न पचे पदार्थ को बाहर निकाल देता है। केचुआ द्वारा किया गया यह कार्य मिट्टी को उपजाऊ बना देता है, जिससे पौधे को फायदा होता है। घोंघा क्रियाकलाप 6 किसी बागीचे में एक घोंघे का अवलोकन कीजिए। क्या आपने इसकी पीठ पर गोल संरचना देखी है? चित्र 8.19 इसे कवच कहते हैं और यह घोंघे का बाह्य कंकाल है, परंतु यह अस्थियों का बना नहीं होता है। यह कवच एकल एकक होता है और यह घोंघे को चलने में कोई सहायता नहीं करता। यह घोंघे के साथ खींचता जाता है। घोंघे को कांच की पट्टिका पर रखकर इसका परीक्षण कीजिए। जब यह चलना प्रारंभ करे तो सावधानी से कांच की पट्टिका को अपने हाथों से अपने सिर से ऊंचा उठाकर कांच के नीचे की ओर से उसके चलने के ढंग का परीक्षण कीजिए। चित्र 8.19 में घोंघा दिखाया गया है। कवच का छेद खोलने पर अब आपने उससे एक मोटी मांसल संरचना एवं सिर बाहर आते देखा है। मोटी संरचना इसका पाद पैर है जो दृढ़ पेशियों का बना होता है। अब सावधानी पूर्वक कांच की प्लेट को एक और थोड़ा सा झुकाएं। पाद पैर की लहरदार गति दिखाई देती है। क्या घोंघे की गति केंचुए की गति से तीव्र है अथवा धीमी? तिलचट्टा क्रियाकलाप 7
किसी काकरोच तिल चट्टा का परीक्षण कीजिए। चित्र 8.20 तिल चट्टा जमीन पर चलता है, दीवार पर चढ़ता है, वायु में उड़ता भी है। इनमें तीन जोड़ी पैर होते हैं जो चलने में सहायता करते हैं। इसका शरीर कठोर बाह्य कंकाल द्वारा ढका होता है। यह बाह्य कंकाल विभिन्न एककों की परस्पर संधियों द्वारा बनता है जिसके कारण गति संभव हो पाती है। तिल चट्टा 8.20 में दिखाया गया है। वक्ष के दो जोड़े पंख भी जुड़े होते हैं। अगले पैर संकरे और पिछले पैर चौड़े एवं बहुत पतले होते हैं। तिल चट्टे में विशिष्ट पेशियां होती हैं। पैर की पेशियां उन्हें चलने में सहायता करती हैं। बच्ची की पेशियां तिल चट्टे के उड़ने के समय उसके पैरों को गति देती हैं। पंछी क्रियाकलाप 8। पंछी हवा में उड़ते हैं तथा भूमि पर चलते हैं। बत्तख तथा हंस जैसे कुछ पंछी जल में तैरते भी हैं। पंछी इसलिए उड़ पाते हैं क्योंकि उनका शरीर उड़ने के लिए अनुकूलित होता है। उनकी अस्थियों में वायु प्रकोष्ठ होते हैं जिनके कारण उनकी अस्थियां हल्की परंतु मजबूत होती हैं। पश्चपाद पैरों की अस्थियां चलने एवं बैठने के लिए अनुकूलित होती हैं। अग्रपाद की अस्थियां रूपांतरित होकर पंछी के पंख बनाती हैं। कंधे की अस्थियां मजबूत होती हैं। बच्च की अस्थियां उड़ने वाली पेशियों को जकड़ रखने के लिए विशेष रूप से रूपांतरित होती हैं तथा पंखों को ऊपर नीचे करने में सहायक होती हैं। चित्र 8.2 में दिखाए गए हैं। 8.2 एक पंछी का कंकाल दिखाया गया है। मछली क्रियाकलाप न कागज की एक नाव बनाकर उसे पानी पर इस प्रकार रखिए कि उसका नुकीला भाग आगे की ओर रहे। इसे धीरे से धक्का दीजिए। चित्र 8.22 ये क्या यह जल पर आगे की ओर तेजी से जाती है। चित्र ए में और बी वाले में नाव से खेलना दिखाया गया है। अब नाव को दोनों सिरों से पकड़कर इस प्रकार धक्का दीजिए कि वह चौड़ी ओर से जल में जाए। चित्र 8.22 बी क्या इस प्रकार नाव जल में सरलता से चल सकती है। क्या आपने ध्यान दिया है कि नाव की आकृति काफी सीमा तक मछली जैसी है। चित्र 8.23 मछली का सिरा एक पूंछ उसके मध्य भाग की अपेक्षा पतला एवं नुकीला होता है। शरीर की ऐसी आकृति धारारेखीय कहलाती है। चित्र 8.23 में मछली इसकी विशेष आकृति के कारण जल इधर उधर बहकर निकल जाता है और मछली जल में सरलता से तैर सकती है। मछली का कंकाल दृढ़ पेशियों से ढका रहता है। तैरने की प्रक्रिया में शरीर का अग्रभाग एक ओर मुड़ जाता है तथा पूंछ विपरीत दिशा में जाती है। मछली चित्र 8.24 के अनुसार शरीर को मोड़ती है तो तीव्रता से उसकी पूंछ दूसरी दिशा में मुड़ जाती है। इससे एक झटका सा लगता है और मछली आगे की ओर चल जाती है। इस प्रकार के क्रमिक ताल से मछली आगे की ओर तैरती रहती है। पूंछ के पंख इस कार्य में उसकी सहायता करते हैं। मछली की गति दिखाई गई है चित्र 8.24 में। ये शरीर पर और भी पंख होते हैं जो तैरते समय जल में संतुलन बनाए रखने एवं दिशा निर्धारण में सहायता करते हैं। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि गोताखोर अपने पैरों में इन पंखों की तरह के विशेष अरित्र फ्लिपर पहनते हैं जो इन्हें उन्हें जल में तैरने में सहायता करते हैं। सर्प कैसे चलते हैं? क्या आपने सांप को फिसलते हुए आगे बढ़ते देखा है? क्या यह सीधा चलता है? चित्र 8.25 सर्प का मेरुदंड लंबा होता है। शरीर की पेशियां क्षीण एवं असंख्य होती हैं। वे परस्पर जुड़ी होती हैं चाहे वे दूर ही क्यों न हो। पेशियां मेरुदंड पसलियों एवं त्वचा को भी एक दूसरे से जोड़ती हैं। सर्प का शरीर अनेक वलय में मुड़ा होता है। इसी प्रकार सर्प का प्रत्येक वलय उसे आगे की ओर धकेलता है। इसका शरीर
अनेक वलय बनाता है और प्रत्येक वलय आगे को धक्का देता है। इसी कारण सर्प सर्प में गति बहुत तेज गति से आगे की ओर चलता है, परंतु सरल ही चलता है। हमने विभिन्न जंतुओं को गति प्रदान करने वाली अस्थियों एवं पेशियों के विषय में जानकारी प्राप्त की। पहेली एवं बुझो के पिटारे में विभिन्न जंतुओं की गतियों से संबंधित अनेक प्रश्न हैं। इस प्रकार आपके मस्तिष्क में अनेक प्रश्न उभर रहे होंगे। प्रसिद्ध ग्रीक दार्शनिक अरस्तु ने अपनी पुस्तक गाइड ऑफ एनिमल्स में स्वयं अपने आप से ऐसे अनेक प्रश्न पूछे थे। विभिन्न जंतुओं के शरीर में विभिन्न भाग क्यों होते हैं? यह विशेष अंग उन जंतुओं की विशेष गति में किस प्रकार सहायक हैं? विभिन्न जंतुओं के शारीरिक अंगों में क्या समानताएं एवं विभिन्नताएं हैं? विभिन्न जंतुओं को चलने के लिए कितने अंगों की आवश्यकता होती है? मनुष्य के दो पैरों तथा गाय और भैंसों के चार पैर क्यों होते हैं? बहुत से जंतु समपादी होते हैं। क्या हमारे पैरों के मुड़ने का ढंग हमारे हाथों की तुलना में अलग क्यों है? इतने अधिक प्रश्न संभवतः आपने क्रियाकलापों द्वारा हमने कुछ प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करने का प्रयास किया है। हमें कुछ और प्रश्नों के उत्तर खोजने हैं। बेहतर जीवन के लिए योग। योग प्राचीन भारतीय परंपरा का एक अमूल्य उपहार है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में घोषित किया गया है। योग व्यक्ति को स्वस्थ रखता है। यह मेरुदंड को सीधा रखने में मदद करता है, जिससे आप सीधे बैठते हैं और झुक कर नहीं। योग की कई मुद्राएं ऐसी हैं जिसमें आप स्वयं का वजन उठाते हैं, जिससे अस्थियां मजबूत होती हैं और ऑस्टियोपोरोसिस से बचाती है। यह जोड़ों के दर्द को कम करती है, जो अधिकतर बुजुर्ग लोगों में देखा जाता है। इससे शरीर की सभी मांसपेशियां सक्रिय रहती हैं। इससे हृदय भी स्वस्थ रहता है, जिससे वह अधिक दक्षता से कार्य करता है। कुछ योग आसन ऐसे हैं जिसे एक प्रशिक्षित व्यक्ति की देखरेख में ही किया जाना चाहिए। प्रमुख शब्द मेरुदंड, पेशी, कुंडल खल्लिका संधि, बाह्य कंकाल, सूक्ष्म श्रेणी अस्थियां, उपास्थि, धूराग्र संधि, गुहिका, पसली पिंजर, अचल संधि, कंधे की अस्थियां, जंतुओं की चाल, कंकाल, हिंज संधियां और धारा रेखीय सारांश। अस्थि एवं उपास्थि मानव कंकाल बनाते हैं। यह शरीर का पिंजर बनाता है और इसे एक आकृति भी देता है। कंकाल चलने में सहायक है और आंतरिक अंगों की सुरक्षा करता है। मानव कंकाल खोपड़ी, मेरुदंड, पसलियों, वृक्ष वक्ष की अस्थि, कंधे एवं श्रेणी, मेखला तथा हाथ एवं पांव की अस्थियों से बनता है। पेशियों के जोड़े के एकांतर क्रम में सिकुड़ने एवं फैलने से अस्थियां गति करती हैं। अस्थियों की संधियां अनेक प्रकार की होती हैं। यह उस संधि की प्राकृतिक एवं गति की दिशा पर निर्भर करता है। पंछियों की ऋण पेशियां तथा हल्की अस्थियां मिलकर उन्हें उड़ने में सहायता करती हैं। ये पंखों को फड़फड़ा कर उड़ते हैं। मछली शरीर के दोनों ओर एकांतर क्रम में वलय बनाकर जल में तैरती हैं। सर्प अपने शरीर के दोनों ओर एकांतर क्रम में वलय बनाते हुए भूमि पर वलयाकार गति करता हुआ आगे की ओर फिसलता है। बहुत सारी अस्थियां एवं उससे जुड़ी पेशियां शरीर को आगे की ओर धक्का देती हैं। तिलचट्टे का शरीर एवं पैर कठोर आवरण से ढके होते हैं, जो बाह्य कंकाल बनाता है। वक्ष की पेशियां तीन जोड़ी पैरों एवं दो जोड़ी पंखों से जुड़ी होती हैं, जो तिलचट्टे को चलने एवं उड़ने में सहायता करती हैं। केचुआ में गति शरीर की पेशियों के बारी बारी से विस्तारण एवं संकुचन से होती है। शरीर के अध सतह पर सूख केचुआ को भूमि पर पकड़ बनाने में सहायक है। घोंघा पेशी पाद की सहायता से चलता है। ये क्वेश्चन आंसर
सोचने के लिए बातें। हमने उन गतियों की चर्चा की जिनको करने में हमारा शरीर सक्षम है। इन सभी गतियों के लिए शरीर को स्वस्थ अस्थियों, पेशियों, संधियों एवं उपास्थियों की आवश्यकता होती है। हम में से कुछ लोग ऐसे विकार से पीड़ित होते हैं जिसके कारण इन गतियों को करना इतना सरल नहीं होता। अपनी कक्षा में ऐसे क्रियाकलापों का आयोजन कीजिए और ऐसे उपाय खोजने का प्रयास कीजिए जिनके द्वारा किसी एक प्रकार की गति बाधित होने पर भी व्यक्ति अपनी दिनचर्या सुचारू रूप से चला सके। उदाहरण के लिए क्रियाकलाप एक का स्मरण कीजिए जिसमें आपने अपने हाथ पर एवं पैमाना बांधकर अपनी कोहनी की गति को बाधित कर दिया था। शरीर की सामान्य गतियों को कृत्रिम रूप से बाधित करने और कुछ और तरीके सोचिए तथा ऐसे उपाय खोजिए जिनके द्वारा प्रतिदिन के क्रियाकलाप संपादित किए जा सकें।